बुलंदशहर की डिबाई कोतवाली क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर बीती रात एक अज्ञात ट्रक ने इको वाहन को टक्कर मार दी। आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर में इको वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। वाहन में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जोरदार भिड़ंत से हुई तेज आवाज सुनकर एकत्रित हुई भीड़ और मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन में फंसे शवों को कड़ी मशक्कत के बाहर निकाल लिया। एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार और एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया। दो भाइयों सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हुई है। बता दें कि उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रोते बिलखते पहुंचे परिजनों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ढंडासा बांधा। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि इको वाहन में सवार जिला संभल में थाना धनारी क्षेत्र के गाँव गाड़ा के रहने वाले प्रमोद 27 वर्षीय पुत्र हेमंत, पुष्पेंद्र 20 वर्षीय पुत्र ओमपाल, जितेंद्र 20 वर्षीय पुत्र राम निवास, नीरज 30 वर्षीय पुत्र हेतराम की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मुकेश जिसकी उम्र 20 वर्ष है वह घायल हो गया है। एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार और एसपी देहात बजरंग बली चौरसिया ने बताया है कि शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार लोगों की मौत बताई दे रही है, क्या पूरा मामला? ये रात लगभग एक सवा एक बजे की घटना है। एक इको गाड़ी थी, इको गाड़ी में एक ट्रक ने जो है टक्कर मारी है, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति घायल था जिसको सीएससी दानपुर भेजा गया है और यहाँ मोर्चरी में हम लोग आए हुए हैं। चार लोगों की डेथ हुई, उनकी बॉडी यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले ये जानकारी की जा रही है। सड़क हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की मौत हुई, किस तरीके की घटना थी? हाँ, ये रात में अलीगढ़ से अनूप शहर के रास्ते से नोएडा की तरफ एक इको वाहन जा रहा था। ये लोग अलीगढ़ से चले हुए थे। रास्ते में डिबाई थाना अंतर्गत दानपुर के पास में एक अज्ञात वाहन द्वारा इस गाड़ी में टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी खंती में पलट जाती है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिलती है। हमारे पुलिसकर्मी मौके पर जाते हैं, सबको अस्पताल ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने की वजह से उसमें से पांच लोगों में से चार व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक घायल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और अभी तक जानकारी के हिसाब से जो इंजर्ड है उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।